ऑल राइट दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग काफी बढ़िया होंगे। इस वीडियो में हम मोटरोला S50 नियो बाय ना करने के 4 से 5 रीजन बताने वाला हूँ, और हाँ, उस प्राइस पॉइंट के अराउंड कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट रहेगा ये भी बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस स्मार्टफोन के क्विक स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। डिस्प्ले 6.4 इंच का LTPO POLED स्क्रीन देखने को मिलेगा, और 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट का सपोर्ट देखने को मिलेगा, और 3000 निट्स का पीक ब्राइटनेस देखने को मिलता है, और ये डिस्प्ले 1.5K रेजोल्यूशन के साथ आता है। तो नो डाउट डिस्प्ले के मामले में ये फोन काफी ज्यादा बेटर है। कैमरा की बात करें तो बैक में आपको 50 MP प्लस 10 MP प्लस 13 MP का ट्रिपल कैमरे का सेटअप देखने को मिलता है। 50 MP का प्राइमरी कैमरा विथ OIS के सपोर्ट के साथ आता है, जो कि सोनी लाइट या 700C सेंसर के साथ देखने को मिलता है, और 10 MP का 3x टेलीपोर्ट्रेट लेंस देखने को मिलता है, और 13 MP का अल्ट्रा वाइड एंगल दिया गया है, और वहीं पे आपको फ्रंट में 32 MP का सिंगल सेंटर पंच होल कैमरा दिया गया है। तो ओवरऑल कैमरा की बात करें तो इस प्राइस पॉइंट पे कैमरा आपको अच्छा देखने को मिलता है, और इस फोन में MediaTek Dimensity 700 चिपसेट का यूज किया गया है, जिसका एंटूटू स्कोर 6,50,000 से 7,00,000 के बीच रहता है। और वहीं पे बैटरी एंड चार्जर की बात करें तो 4310 mAh की बैटरी देखने को मिलती है, जो कि 68 वाट फास्ट चार्जर को सपोर्ट करता है। और कनेक्टिविटी के मामले में ये फोन आपको काफी जबरदस्त देखने को मिलता है, सारी चीजें स्क्रीन पे शो कर रहा होगा। और ये फोन IP68 के रेटिंग के साथ आता है, यानी डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस होने वाला है। गलती से आपके फोन पे पानी गिर जाता है तो कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली है। और हाँ, ये फोन MIL STD सर्टिफिकेशन के साथ आता है, तो पॉकेट से आपका फोन गिर भी जाता है तो टूटने का कोई भी डर नहीं है। लेकिन हाँ, इस चीज को जानबूझकर ट्राई मत करना। बाकी इस फोन के जितने भी स्पेसिफिकेशन है आप फ्लिपकार्ट पे चेक कर सकते हो। अब बात करते हैं इस स्मार्टफोन को बाय क्यों नहीं करना चाहिए। उससे पहले आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। लेटेस्ट टेक अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल पर देखने को मिलता है। तो सबसे पहला रीजन बताऊं तो वो है इस फोन का चिपसेट। तो इस फोन में आपको MediaTek Dimensity 7300 का चिपसेट देखने को मिलता है, और जिस प्राइस पॉइंट पे ये फोन लॉन्च किया गया है, आपको इससे बेटर चिपसेट देखने को मिलना चाहिए था। अब बताता हूँ क्यों। आप खुद देखो, एक 17,000 का फोन है Realme Narzo 17 Turbo, जिसमें सेम चिपसेट का यूज किया गया है, तो परफॉर्मेंस के मामले में 17,000 और 24,000 के फोन में कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। और हाँ, Realme Narzo 17 Turbo बैंक ऑफर के साथ आपको 15,000 के अंदर देखने को मिलता है, तो 15,000 और 24,000 के फोन में थोड़ा सा भी तो डिफरेंस देखने को मिलना चाहिए था। इस फोन में आपको Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 का चिपसेट देखने को मिलता तो काफी ज्यादा बेटर रहता। इस फोन के सेकेंड डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है इस फोन का बैटरी। इस फोन में मात्र 4310 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, यानी आप ट्रैवलिंग करते हो या हेवी यूज करते हो तो बार बार इस फोन को आपको चार्ज करना पड़ेगा, या फोन के साथ आपको चार्जर लेकर घूमना पड़ेगा। बहुत सारे मेरे भाई बोलेंगे कि ये कॉम्पैक्ट फोन है, इसका ये मतलब भी नहीं है कि इतना छोटा बैटरी दिया जाना चाहिए था। कम से कम 4500 से 5000 mAh तक की बैटरी देखने को मिलना ही चाहिए था। थर्ड डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है मल्टीमीडिया एक्सपीरियंस को लेकर। अगर आप मूवी वगैरह ज्यादा देखते हो तो बड़ा डिस्प्ले में मूवी देखने में काफी ज्यादा मजा आता है। और हाँ, बहुत सारे लोगों को ट्रेंड के हिसाब से कर्व स्क्रीन ही चाहिए, तो इस फोन में आपको फ्लैट स्क्रीन देखने को मिलता है, तो यहाँ पर भी ये फोन आपको डिसअपॉइंट करेगा। अगले डिसएडवांटेज की बात करें तो वो है इस फोन का ओवर प्राइस। स्पेसिफिकेशन को देखते हुए मुझे यहाँ पे पर्सनली लगता है कि 2 से 3 हजार मैं एक्स्ट्रा पे करने वाला हूँ इस फोन पे। अगर ये फोन 21,000 के अप्रोक्स आता तो डेफिनेटली मैं इस फोन को बाय करने के लिए आपको रिकमेंड करता। अब बात करते हैं इस प्राइस पॉइंट पे आपके लिए कौन सा स्मार्टफोन बेस्ट हो सकता है। तो कुछ ही दिन वीवो और iQOO का फोन लॉन्च हुआ था, वीवो T3 Pro या iQOO G9S Pro, उसकी तरफ आप जा सकते हो, जिसमें बेटर परफॉर्मेंस, बेटर ब्राइट कर्व स्क्रीन देखने को मिलता है, जो कि 6.7 इंच का बड़ा स्क्रीन देखने को मिलता है, और हाँ, कैमरा भी आपको बेटर देखने को मिलेगा। और इस फोन में आपको 5500 mAh का बैटरी देखने को मिलता है, यानी इस फोन में बैटरी बैकअप भी काफी अच्छा देखने को मिलेगा। और हाँ, यहाँ पर एडाप्टर 80 वाट का देखने को मिलता है, जो कि मोटरोला S50 नियो से काफी बड़ा है, और फ्लिपकार्ट के बिग बिलियन डे सेल में आपको ये फोन और भी सस्ता देखने को मिलेगा। और फिलहाल 25,000 के अंदर ये फोन वन ऑफ द बेस्ट स्मार्टफोन है, तो डेफिनेटली आप वीवो T3 अल्ट्रा या फिर iQOO G9S Pro की तरफ जा सकते हो। बाकी दोस्तों, आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कर देना, और हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना। लेटेस्ट टेक अपडेट सबसे पहले हमारे ही चैनल पर देखने को मिलता है।
फिर आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। Yeah.